नरेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन किसी प्रकार का केस ई फाइलिंग की केस को देखे जाने की और किसी प्रकार का आवेदन देने की 24 घंटा सुविधा उपलब्ध है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन किसी प्रकार का केस ई फाइलिंग की केस को देखे जाने की और किसी प्रकार का आवेदन देने की 24 घंटा सुविधा उपलब्ध है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मुरैना विशेषकर से गुंडों और हैकरों का अड्डा बन गया है। इसकी हमने पुलिस में डीजीपी के यहाँ शिकायत की, जिसका नंबर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने 6 मार्च को मुरैना पुलिस अधीक्षक को धारा 154(3) CRPC के तहत आवेदन भी भेजा, उसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुंडों असामाजिक तत्वों पदरी तत्वों को बिल्कुल से रोकने का या एहतियाती कोई कदम नहीं उठाया गया। और इसके बाद फिर जो डीजीपी के यहाँ पर PHQ में जो शिकायत रजिस्टर की, साइबर क्राइम की,
हैकिंग की, गुंडागर्दी की तथा भारत सरकार की जो SFLA थी उनकी जांच में विघ्न डालने की, बाधाएं पहुंचाने की, तो जिनके खिलाफ ये मामले थे उनके पालतू चमचे गुंडे यहाँ पर बसे हुए थे, तो उन्होंने भरी नवदुर्गा में माँ बहन की गालियाँ और उत्पात आदि किए और ये लगातार हैकिंग पूरे सिस्टम की और मोबाइल फ़ोन की लगातार की जा रही है, जिसका हम यहाँ आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और इस वीडियो में बड़ा साफ है, लेकिन ये मामला PHQ द्वारा ग्वालियर पुलिस जोन के SP मिस्टर सुधीर अग्रवाल को दिया गया, लेकिन उन्होंने इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो पहले तो 6 मार्च के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की और उनके हौसले बुलंद होते गए, गुंडागर्दी बढ़ती गई और फिर उसके बाद में गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों का ये उपद्रव और हैकिंग इस हाल तक पहुंच गई कि पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया, पूरे मोबाइल हैक कर लिए गए और स्पाई कैमरे हमारे कमरों में सब में फिट किए गए, लगाए गए। और विशेष रूप से केवल पहली नज़र में ये कहा जा सकता है कि इनको विदेशी पैसा हासिल है और यहीं आसपास हैं, तो जैसा भी है पुलिस इस पर क्यों मौन रही, पुलिस ने इसने क्यों नहीं कार्रवाई की। और फिर जो घटनाएं घटित हुई यहाँ पर मुरैना ज़िला के अंदर में, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके पीछे कौन लोग थे। मुंह पे साफ़ी बांधे रहते थे, पूरा मुंह ढके रहते थे, ऐसे भीड़ की भीड़ माँ बहन की गालियाँ देते हुए भरी नवदुर्गा में, मेरी माँ तो खैर मर तो हो चुकी है लेकिन उसको, माँ को, बहन को, मेरी बेटी तक को गालियाँ दी गई, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। और इसकी कॉपी हम DGP से लेकर के अपने डिपार्टमेंट भारत सरकार के न्याय विभाग तक भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आज दिनांक तक और इस वक्त तक नहीं मान रहे हैं। फिर एट लास्ट क्या हुआ, जब पुलिस एक्शन, मैंने डायल 100 करके एक दिन गाड़ी भी बुलवाई थी जिसका SMS मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन वो भी उनसे हाथ मिला करके चली गई, उन्होंने भी गुंडागर्दी और असामाजिक उपद्रव को रोकने की कोशिश नहीं की। तो परिणाम स्वरूप जो भी उपद्रव हुआ मुरैना के अंदर में, कर्फ्यू लगा और इंटरनेट सेवाएं बंद हुई या जो जो भी हुआ, ये तो तय है कि चुनावी वक्त है तो चुनाव में नेताओं के चमचे गुंडे ये तो सब करते ही हैं और चुनावी वर्ष में ये होता है। लेकिन जो SFLA चल रही हैं, एक बिजली कंपनी के खिलाफ और दूसरी SFLA 2017-000055 और एक सागर की है, शिवपुरी की है और एक और आई हुई है ग्वालियर की, तो इन सब केसों से जुड़े हुए जो भी अपराधी अभियुक्त थे वो स्वयं और उनके चमचे गुंडे यहाँ जो उपद्रव फैला रहे, हमने पुलिस को इत्तला दी जो विधिवत कानूनन जो तरीका होता है उस तरीके से, लेकिन और मध्य प्रदेश शासन की ईमेल नीति जो है, ईमेल पॉलिसी जो है, जो हमारी वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और परिणाम जो हुआ वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। और भी वीडियो हैं मेरे पास में, करीबन 6-7 वीडियो हैं सबूत के तौर पे। इसके अलावा मैंने कुछ स्पाई कैमरे पकड़े हैं, वो भी मेरे पास सुरक्षित हैं, मैंने निकाले हैं खुद। तो हालात कितने बुरे हैं मध्य प्रदेश के इस वक्त, कानून व्यवस्था कितनी लचर पचर और बुरी तरह से फैल हो चुकी है, ये आप स्वयं इस फिल्म में देखेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर गुंडों का बसेरा है, हैकर्स का बसेरा है, हैकर्स खुले आम घूम रहे हैं। और वो सारे सबूत, कम से कम 6-7 वीडियो हैं हमारे पास, तो जिसमें से एक वीडियो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो आप इसे देखिए खुद ही।
बंद करिए नाटक, ये टिचगुम टिचगुम वाला नहीं, गेट से तो खाड़ के फेंक दूंगा यहां से, समझा? बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं तेरी हम। ओ सभा समय रे, ओ नहीं निकल यहां से, नहीं उठा के फेंक देंगे तेरे डोरी डंडा हम जैसे। ज्यादा गुंडागर्दी फैला रखी पूरे मोहल्ले में, बदमाश कहीं का। बंद कर अपना ये ड्रामा, और तुझसे संभाल के कह दी हमने तेरे द्वार पे आके, अब भी तुझे होश नहीं आया हो तो फिर तू देख लेना, हम फेंक देंगे उठा के तेरे डोली डंडा दरवाजे फरवाजे सब, बदतमीज कहीं का। बहुत गुंडागर्दी कर रहा है बादल चौधरी, दो दो महीने से देख रहा हूं हम। अति मचा के रखी हुई है यहां पर, पूरा गुंडों का अड्डा बना दिया यहां।